अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने चैनल ब्लू प्लेटिन में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक, खुशवाट और मजे में। तो देखो फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है ब्लू प्लेटिन। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट लिखें और कमेंट्स में आप अपनी कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी प्यारी सिस्टर जो कि बिहाइंड का कैमरा है, हम आपके सारे कमेंट जरूर रीड करेंगे और कमेंट्स का रिप्लाई का जवाब भी देंगे, रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। तो हमारा दूसरा चैनल है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट, वहाँ पर भी विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियोज अच्छी लगेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ब्रोस्ट। ब्रोस्ट बनाने के लिए ये मैंने कल चिकन लिया था, देखिए इसमें बड़े बड़े पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे विंग्स है, थाई है और लेग पीस है इस तरह के, ठीक है। ये लेग पीस है, ये विंग्स है, थाई के पीस है, अच्छे अच्छे पीस हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया था, पानी डाला था, सिरका डाला था, रेड मिर्च डाली थी, ज़ीरा पाउडर डाला था और ये चिकन टिक्का पाउडर डाल के और नमक डाल के मैंने इसे पूरी रात मैरिनेट किया है, ठीक है। ये ओवर नाइट मैरिनेटेड रहा है, ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं आज अपने किचन में ब्रोस्ट, चिकन ब्रोस्ट, ठीक है। जिस तरह से KFC में मिलता है, हमारे इधर मरकज में KFC खुला है ना, तो हम वहाँ से बहुत ज़्यादा KFC ऑर्डर भी करते हैं और लाते भी हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी स्टाइल में बनता है। तो ये मैंने मैदा ले लिया, देखे गुड क्वालिटी, आधा किलो की ये थैली है, इसे खोल लेते हैं, ठीक है। ब्रोस्ट के लिए ना मैदा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने बड़ी परात ली है, ठीक है। इसमें हमारा चिकन भी थोड़ा ज़्यादा है, इसमें सही वो हम डिप शिप कर देंगे, डिप करके ना डालते रहेंगे। ये तकरीबन आधा किलो मैदा है, ठीक है, इसमें डाल दूंगा मैं सीजनिंग थी, मैदे में भी मैदा भी हमारा फीका ना रहे। ये इसमें जाएगा नमक, ठीक है, और इसमें जाएगी रेड चिली, चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं और रेड चिली भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अभी हम चटनी भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि बाहर से जो कोटिंग है ना ब्रोस्ट की वो भी फीकी ना हो, ठीक है, फीकी ना हो। ऐसे इसे मिक्स कर लेंगे और एक और पैन में पानी रखेंगे, शेयर हो रहा है सुपर क्रिस्पी ब्रोस्ट कैसे बनता है, ठीक है। यस बिल्कुल भाई, चलो मत कर ले, ये रखेंगे इधर, सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसकी, ऐसे ऐसे आप लाइन अप चीज़ें रखेंगे तो ये इजी हो जाएगा करना, जैसे इधर चिकन ब्रोस्ट है, इधर मैदा है, इधर पानी और इधर डाल रखते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये उठाएंगे इस तरह से, इसमें लगाएंगे अच्छे से मैदा, इस तरह से करके अच्छे से मैदा लगाना है, इस तरह से फिर झाड़ना है, झाड़ के नॉर्मल टैप वाटर में डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट उठाना है, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, ठीक है। हम तो अक्सर रोज जो है घर में भी बना लेते हैं या फिर ऑर्डर भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इधर मरकज में ना KFC खुल गए, तो हम तो उससे लेट नाइट या फिर सैटरडे संडे को ज़रूर ऑर्डर करते हैं। उसमें डील में ये होता है ना कि 5 बर्गर होते हैं, 4 बर्गर होते हैं जिंगर बर्गर, और 4 पीसेस ब्रोस्ट के होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना। ये देखिए इस तरह से इसे ये इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। देखिए हर तरह का सिस्टर ने ज़बरदस्त वाला पीस रखा है, ठीक है, चिकन का, जिसमें लेग पीस है, ब्रेस्ट पीस है, थाई है और लेग वो वीक है, ठीक है। ये ओवर नाइट जो है ये हो रहा है, क्या कहते हैं, मैरिनेट रहा है, ठीक है। अब इससे ना इसको निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, जो पहले डाला था ये, जैसे ये निकालेंगे और ये इसके ऊपर और मैदा छिड़केंगे,
इस तरह से अच्छा मैदा छिड़केंगे तो ऊपर अच्छा ब्रोस्ट आएगा, ठीक है, क्रस्ट आएगा, क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रोस्ट करेंगे आप। ये देखिए इसको इस तरह करेंगे, अब इसको बहुत ज़्यादा झाड़ना नहीं है, ठीक है। ये हम डाल देंगे अपन, ये पूरी रात मैरिनेट रहा है तो ये अच्छे से गल जाएगा, अच्छे से इसमें कोई डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी सरका जो होता है वो चीज़ को हाँ सरका ग्रावट के काम आता है ना, तो सिरके में जो डूबे सिरका, नमक, लाल मिर्च और जीरा पाउडर और चिकन टिक्का पाउडर मैंने डाला है। और चिकन टिक्का पाउडर में भी पपीता का वो होता है ना, वो डाला भी टेंडराइजर डाला होता है। इसको डायरेक्ट ही डालना पड़ता है, अगर रखेंगे ना तो ये सोगी हो जाता है, ठीक है, सोगी हो जाता है, इस तरह से अच्छा नहीं बनेगा। इससे जीगे कि डायरेक्ट डालते जाएगा आपका ऊपर ऐसे। बस अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, बस इसे कोई चमचे भी नहीं हिलाने, थोड़ी सी लाल तेज कर देंगे, ठीक है, दरमियानी कर देंगे मीडियम, और इसे कुक होने देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसीजर फिर रिपीट करके जब ये कढ़ाई खाली हो जाएगी। फ्रेंड्स रोस्ट बन रहा है, इसको हमने को चम्मच चम्मच नहीं चलाना, चम्मच चलाएंगे ना तो साथ से मैदा उतर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये पुदीने की चटनी बना लेते हैं साथ, वैसे हमारे घर में चटनियाँ हैं बहुत किस्म की, कल आया था, तो ये देखें क्या है, ये घर का पुदीना है, ठीक है, और हरी मिर्चे और लहसुन है, ठीक है, वो लेते हैं, ये ऊपर ना जिसमें उगाया हुआ है प्लांटर में, ठीक है,
सिस्टर लाई है ऊपर टेरेस पे तो और चलेंगे पैक स्टोरेज की चटनी क्या है ना बहुत अच्छी है। ये वाली मिर्च नहीं ज़्यादा तेज़ है, तीन में डाल देते हैं इनके, चार डाल देते हैं ठीक है। और बाकी डाल देते हैं लहसुन है और पुदीना है ठीक है, थोड़ा सा पका के ठीक है ठीक है। और देखिए उसमें क्या जाएगा, आप इसको ग्राइंड कर देंगे और बनेगी मजेदार सी चटनी। देखिए हमने इसे लाया नहीं है क्योंकि पैर की शक्ल आई है ना, फौरन से ला दोगे तो सारा मैदा निकल जाएगा और क्रिस्पी नहीं रहेंगे, ऐसे ब्रोस्ट बना रहे हैं ना भाई। ब्रोस्ट का ये होता है कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सुपर जूसी है। हमारे तो घर में ये ब्रोस्ट बनाया जाता है, देखो ये किसी भी बड़ी जो KFC है या किसी भी बड़ी जो जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनसे ये कई गुना मज़ेदार और टेस्टी है। साड़ी चटनी भी रेडी हो गई, ग्रीन बनानी हो तो ये ग्रीन चटनी खुशबू आई है ना बहुत अच्छी है, अपने घर के पुदीने की तो बात ही अलग है ना भाई। ये देखिए दही इतना गाढ़ा गाढ़ा और अच्छा दही है हमारा, ये सुबह माशाल्लाह 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 नाश्ते के लिए रखा है, थोड़ी वही ना बड़ी आपके लिए मैंने सुबह हाँ सुबह तो ऐसा ही है ना। ये देखिए माशाल्लाह कितनी गाड़ी देखिए ना गाड़ी गई होती है ना भाई। हाँ इसमें नमक डालना है ना, डाल इसमें हम रेड चिली भी डाल सकते हैं लेकिन हरी मिर्च से थोड़ी तेज है, हरी मिर्च तेज है वैसे, रेड चिली रेड मिर्च का थोड़ी सी डालो ना चटनी तो खाने का भी और भी मजा आता है। वैसे मेरे पास ग्रीन चटनी भी है ना भाई, हाँ ग्रीन चटनी पैकेट वाली भी है, चिली सॉस भी है, सो चिली सॉस टमाटो केचप भी है, मायो भी है, चिली गार्लिक सॉस है, टमाटो केचप है, मायो टमाटो केचप मिक्स चटनी भी है और ग्रीन चटनी भी है और मायो भी है। यस ये बन गई हमारे घर में पुदीने की मजेदार सी चटनी। चटनी मैंने कहा भाई को बस आज रोज बन ही रहे तो हम चटनी भी बना लेते हैं ना भाई, अच्छी लगती है ना। हाँ घर के पुदीने की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखें इससे कितना अच्छा देखो क्राफ्ट आया है, कितना प्यारा आया है। और ये ना पूरी रात मैरिनेट रहे तो ये बहुत अंदर से जूसी होंगे। और सिस्टर ने आज बनाया हुआ है लंच में शिमला मिर्च आलू और चिकन, शिमला मिर्च आलू और चिकन का सालन ठीक है। yes. और इसके अलावा सिस्टर ने अंडे बॉइल किए थे शाम की चाय के वो साथ रखे और वो दिया था ब्रेड ब्रेड में मक्खन लगा सैंडविच दिए थे उसके साथ बटर के साथ। यस देखिए फ्रेंड्स फ्राई हो गए, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे वाली साहब ना बर्तन बहुत लेते हैं तो बर्तन लेने का वाली साहब को बहुत शौक है, तो ये भी वाली साहब ने देखे
खरीदा है, इस तरह के बहुत से जो है ना ये चमचे खरीदे हुए, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। देखिए ये नया लाए हैं, ये ऐसे 3-4 लाए हैं ना, यस। तो इस तरह के स्पाइडर भी हैं हमारे पास, स्पाइडर भी लगे हुए हैं, ये देखो अब ये बिस्मिल्लाह मार्किंग इसमें ही का प्रताप करते हैं, ये देखिए हमारे ये बन गए, क्या कहते हैं रोज, ऐसे निकाल लेंगे छन्नी पे, दिखाओ दिखाओ क्रिस्पी, देखे कितने हैं माशाल्लाह। हम फ्राइंग चीज़ें बनाते रहते हैं ना, चिप्स वगैरह, दिवाली साहब खुद भी बड़े शौक से बनाते हैं, तो वो इस तरह के टेनर वगैरह बहुत देखते हैं। बिल्कुल शुक्र है जान बच गई, थोड़ा सा इसको तेल स्टेन कर, और देखिए क्या खुशबू आ रही रख दो, है ना किसी भी कमाल से अच्छा, बल्कि सुपर कमाल, सुपर सुपर क्रिस्पी, ठीक है, यस बनाते जाएंगे और साथ साथ डालते जाएंगे, रखेंगे नहीं हाँ। क्योंकि फिर सोगी हो जाते हैं हाँ। वो ना ये ना वो ऊपर क्रस्ट अच्छा नहीं आता, इसका यही तरीका है, इसका क्या तरीका, हाँ ये नहीं नहीं, नहीं इसमें डालना है ना, ये ऐसे करना, ऐसे थोड़ा सा झाड़ के इसमें डालते जाना, दो हाथों का यूज करना, ठीक है जी। ऐसे ही ना वो भी बनते हैं, क्या कहते हैं नगेट्स, नगेट्स में भी दो हाथों का यूज होता है, यस, और नगेट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरा भाई बनाता है ना नगेट्स भी बना लेता है, हमने रेसिपी शेयर की थी नगेट्स की जी, की वो मेरे में काशी सुल्तान एंटरटेनमेंट पे है ना, यस यस, दोबारा करेंगे सब, ठीक है दोबारा बनाते हैं, दोबारा बनाएंगे, ये डालते हैं ये पूरा देखनी है, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना आपको जी, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट का जो फूड चेन्स है उनका यही है प्रोस बनाने का तरीका, ये ओरिजिनल तरीका है, ठीक है, यस। मैदा कम लगे तो वो डाल, मैदे की कंजूसी ना करो, ना करो, ऐसे ही ये डाल देंगे, डालने के बाद क्या करेंगे इसको, ऐसे ही मैदा डाल देते हैं, मैदा बचता है ना इसका, इसे फ्रीजर में रखते हैं, ठीक, यस, ये नेक्स्ट टाइम यूज हो जाता है ब्रोस बनाने में, ठीक, चिप्स भी बना सकते हैं, चिप्स ब्रोस बना सकते हैं, थोड़ी सी सीजनिंग हमने वो डाल दी है, यस, ताकि बाहर का ब्रोस जो है वो भी हमें फीका ना लगे, फीका ना लगे, क्रस्ट जो है फीका ना लगे, इतने में हमारी चिकन भी भीगी, और ये डाली, ये दोनों हाथों से ऐसे ऐसे किया, ऐसे 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 करना ज़रूरी है, इसी तरह आपका ऊपर ब्रोस्ट बनेगा, इन झाड़ा और डाल दिया, ठीक है, इसी तरह चूका, ये चूका ये इस पर डाला, ये ऐसे किया, ये आप इसमें डाल दो, ये चूका प्यार से, ये ब्रोस डाला,
बस इसमें कोई तड़के नहीं चलाने, ठीक है। शुरू में तो ये मैं प्रोसीजर जो है दोबारा करता रहता हूँ, डालता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट बैच भी फ्रेंड तैयार हो गया। ये देखो ये वाला जो है ना ठंडा भी यूज कर रहे हैं, ये देखिए कैसे बना मतलब है ना यम यम, बिल्कुल मैंने खा के भी चखा, बहुत मजे का था। यस टेस्टी है, सिस्टर ने अभी खाया भी है। अच्छे से मैदा कोट करेंगे, ठीक है। और इसको डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। डाल दूं नेक्स्ट में, फिर आपसे फाइनल लुक में मिलते हैं, फाइनल लुक से खाएंगे, ठीक है। देखिए लास्ट बैच भी हमारा रेडी हो गया, देखिए। और मैं आपको बताता हूँ ये कितना टेस्टी है, मजे के। ये देखिए अभी सिस्टर ने ना ये खाया भी है, बिल्कुल भाई। एक लो ऐसे क्लिप, ये देखिए कितना क्रिस्पी है अंदर। यस बहुत मजे का ना, बहुत मजे का। ये भी डर्टी हो गया, यम यम। सिस्टर आप सर्व करेंगी। और ये हमारे पास चटनी है, मायो चप है, सॉस हिलमंस रियल मायोनीज है, ग्रीन चटनी है, और इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस है, ठीक है। और ये हमारी होममेड सबसे बेहतरीन दही पुदीने की चटनी। अब सिस्टर 5 प्लेटें बनाएंगी, 5 प्लेट्स बनाएंगी इंशाल्लाह। इधर कर लो, सिस्टर सर्विंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस फाइव, 1 2 3 4 5। चलो हमारे घर में ना कोई भी चीज़ बने ना, या तो वाली साहब सर्विंग करते हैं या वालदा साहिबा, और आज मैं बनाऊँ तो ज़्यादातर सिस्टर को दी जाती है कि सर्विंग करो। यस सबसे पहले बड़े पीस डालते हैं ना। देखें सिस्टर उठा रही हैं तो ये क्रिस्पी कितना आवाज दे रहा है ना, रोस्ट क्रिस्पी है, सख्त नहीं है, बड़ा टेस्टी है माशाल्लाह, बड़ा मजा आया खा के। यस बहुत मजे के भाई। ये देखें सबको आ रहे हैं 5-5 पीस, मेरे में 4-4 5 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
माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारा भाई जुनीद। चार,
प्यारा भाई जनेद, प्यारी वालदा साहिबा, प्यारे वालिद साहिब, प्यारी सिस्टर, प्यारा काशी भाई। यस, ये भी डाल दो। ये कर लो, मैं देख रहा हूँ। चार चार हो गए, चार चार। रिलैक्स होके डाल लो। देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर ने 5 प्लेट्स में सर्विंग कर ली है। अब ये पहुंचाएंगी सबके टेबल्स पे, और साथ में ये चटनी है दही पुदीने की, और ये वाली चटनियाँ जो खाना चाहे वो ये भी डाल सकता है ना। यस। पर घर की चटनी दही पुदीने की धमाल है, कमाल है ना। ये डालेंगे ठीक है। हाँ, केचप मायो, मायो थोड़ी सी, हम ग्रीन चटनी, कनौर की ग्रीन चटनी, ये बड़ी टेस्टी है। ये हमने कल शामी कबाब बनाया, बड़ी मजे की थी। ये देखना रनिंग रनिंग है ना जी, रनिंग कॉन्टेस्ट ही है उसकी। हाँ, ये मजे है ना, ये भी रनिंग है। और थोड़ी सी हम डालेंगे मायो, ये अमेरिकन मायो है, ये बड़ी टेस्टी है। मैं तो ये जब से आई है ना तो मैं यही खा रहा हूँ। ये इस तरह से अलग प्लेट भी और घरेलू चटनी भी डालेंगे ठीक है, दही पुदीने वाली। ये बन गए हमारे, ये घर की चटनी। यस, ऐसे हम प्लेटिंग करेंगे इसकी। यस yes. और सबको देंगे। यस, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये एक प्लेट और साथ चटनियां सर्व की जाएंगी।